यस सर, वेलकम टू द पायलट 360। 1.1 का हम लोग अभी क्वेश्चन ऑफ फाइव लिख रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो चैलेंजिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सेट बिल्डर मेथड मतलब रूट मेथड है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। इसमें मैंने क्या किया, क्वेश्चन फाइव के अंदर टोटल है ना 5 क्वेश्चन है, मैंने तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए कि आपको समझने के लिए और इजी हो जाएगा। जितने आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना ये कंसेप्ट आपको क्लियर होता जाएगा रूल मेथड का। ओके, तो फर्स्ट क्या दिया है, देखिए यहाँ पे राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। पर यहाँ पे जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 आप जरा अगर ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि सारे स्क्वायर, जरा ऑब्जर्वेशन कीजिए, देखिए ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9 आता है, 4 का स्क्वायर है 16 है, 5 का स्क्वायर दिया है। आप जरा ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं एग्जांपल सॉल्व करके दे रहा हूं, अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे ना आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आता ही है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल ज्यादा दे रहा हूं। देखिए 100 तक है ना, आपको एक आइडिया बता रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। आप देखिए यहां पे सब जगह पे एक क्लियर है, ये 1, 4, 9, 16 ये तो यहाँ पे नंबर है, सब में कॉमन क्या है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर सब में कॉमन है। चेंज क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नेचुरल नंबर आएगा 10 तक है। तो देखते हैं हमको क्या करेंगे, फिक्स कैसे लिखना है। ए इज अ सेट ऑफ, देखिए ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये सारे नंबर को आपको एक्स कंसिडर करना है, ये सारे नंबर मतलब एक्स है। A is the set of all x, इसको x से करना है, तो x को आपको प्रॉपर्टी लिखना है, फॉर्मूला x is equal to x है क्या, आपको ये लिखना है। A 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है ना, उसको हम n कंसीडर करते हैं और आपका कॉमन क्या, सब में स्क्वायर कॉमन ही आ जाएगा। ये देखिए ऐसा ये n है, देखिए n फिर चेंज हो रहा है, उसको n कंसीडर कर रहा है। n को हमें क्या कंसीडर किया, n क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक है, 1 मतलब 1 क्या है, नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। So n belong to what, natural number, और ये natural number कहाँ तक है, 10 तक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। So n इसकी property आपको लिखना पड़ेगा, less than 11 भी लिख सकते हैं और equal to or less than 10 भी लिख सकते हैं, 10 या 10 से कम, आप चाहे तो 11 भी लिख सकते हैं, no problem, 11 से कम। आप ये formula में put up करोगे ना सब, आपको ये सब answer मिलेगा। कैसे देखें, x से जो n square दिया है, देखिए n मतलब क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कहां तक है, इधर से कब 10 तक है, तो आप पुट अप करके तो ऑलरेडी मिल जाएगा, नेचुरल नंबर मिल गया देखो, सब मिलेगा आपको, कहां तक लिखने का आपको 10 तक लिखने का, आंसर सब मिलेगा 1, 4, 9, 100। आपको फॉर्मूला फॉर्म करना है, ये फिक्स रहेगा, ये सारे एलिमेंट को आपको x कंसीडर करना है, x की प्रॉपर्टी लिखना है, ये दोनों कंडीशन डाल देंगे, n क्या है, नेचुरल नंबर है और n का वैल्यू 11 से लेस इक्वल 10 तक। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं 6 का, देखिए ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए 6 12 18 24 30 36 42 60। आप अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा, सर ये तो 6 का टेबल है, ये तो 6 का टेबल है, तो 6 का टेबल कहां तक है, 48 तक, देखिए 6 12 13 18 24 दिया है 30 दिया है 36 दिया है 42 दिया है 48 दिया है। हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, 6 into 1 6 into 2 6 into 3, आपको सिर्फ देखना कॉमन क्या है, 6 into 4, देखिए 6 into 5 मैंने दिखा, 6 into 6 दिखा मैंने, 6 into 7 दिखा, 6 into 8 दिखा, तो कॉमन क्या, कॉमन 6 से देखो सब में कॉमन, चेंज ये हो रहा है, दिस इज चेंज, चेंजिंग फैक्टर ये, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से मतलब नेचुरल नंबर है, कहाँ तक, 8 तक है, तो लिखते हुए कैसे देखो, 6 तो कॉमन, तो फॉर्मूला हमारा ऐसा बनेगा, ये सारे n है, 6 तो सब में कॉमन रहेगा, n की वैल्यू ये, तो 1 से स्टार्ट हो, तो मैं लिखूंगा b इज अ सेट ऑफ ऑल x, कुछ भी लिख सकते, वैल्यू लिख सकते हैं, b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल, अभी फॉर्मूला हमने बनाया ना 6n का, कॉमन है ना, कॉमन एक ही बार लिखने का, 6n ये n क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये नेचुरल नंबर है, सो n इज लेस देन 1, सॉरी n बिलोंग टू व्हाट, नेचुरल नंबर पे लिखना पड़ेगा, और n का वैल्यू क्या है,
कि 8 तक दिया होता 9 से कम है ना, so n is less than 9 लिखा तो भी चलेगा और less than equal to 8 लिखा तो भी चलेगा, दोनों चलेगा, कुछ बोल दो तो मैं लिखता हूं less than 9, एक ही फॉर्मूला में लिखते ऊपर वैसे दिखाता हूं, ओके एकदम सिंपल। आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सी, ये बहुत ही सिंपल है, ये वर्ड है स्माइल की, इतने सारे लेटर्स है, ये वर्ड अगर हम लोग स्माइल देते हैं इसके लेटर्स है, तो सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड है स्माइल, स्माइल इस वर्ड के ये लेटर्स है, आपको इस तरह से लिखना क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूला कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है, ओके ये भी एकदम इजी है। D is a set of all x such that x क्या है, सारे ये days of the week है तो लिखेंगे x is a all days of week, all is all days of week, एकदम सिंपल है, देखिए ये भी ओके, इसमें भी फॉलो द फॉर्मूला सिंपल एकदम। ये देखिए क्या है x और यहाँ पे दे a p ये लेटर्स, तो मैं क्या लिखूंगा x is a set of all y, और कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे x is a set of all y such that y is a letter of word, कौन सा वर्ड फॉर्म हो रहा आपके ऊपर है, a e t लिखा तो भी चलेगा, e a t लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं, दैट्स इट, एकदम सिंपल है। अभी क्या कीजिए आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हो वहाँ पे पॉज करो, थोड़ा सोचो, फिर आंसर लिखो, उसके बाद फिर आप क्रॉस चेक कर लेना, ओके अब वीडियो पॉज करना, ओके देखिए यहाँ पे सो a इक्वल टू 5 10 15 20 दिया, ये एग्जांपल आपका सिमिलर है इस एग्जांपल से, सिमिलर है एकदम सिमिलर है, 5 10 15 दिया ना, तो 5 10 15 है और 20 है, तो हम लोग कैसे लिख सकते 5 इंटू 1 5 इंटू 2 5 इंटू 3 5 into 4, right? Common क्या है? 5 है, formula क्या हुआ? 5 और n बनेगा, n कहाँ से start हो रहा है? 1 से, मतलब natural number है, value कहाँ तक है? 4, मतलब 5 से कम, तो हम तो ऐसे लिखेंगे, a is the set of all x such that, x is equal to formula क्या बना है भाई? 5 n बना, 5 n देखिए, ये n क्या है? natural number है, और n का condition डालना पड़ेगा, 4 तक है, मतलब less than 5 दिया, that's it, okay? यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए 7 के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहेगा 2 3 4 तो फॉर्मूला में कॉमन क्या 7 है चेंज ये हो रहा है देखो यहाँ पे देखिए चेंज जो होगा ना उसको n का कंसीडर करेगा ध्यान देने का 7:1 7:2 7:3 7:4 ये सब कॉमन है देखो ये सब कॉमन 7 कॉमन है चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 4 ये हो रहा है तो 1 से स्टार्ट हो रहा होगा नेचुरल नंबर है 4 तक मतलब 5 से कम रहेगा लिखते हम लोग कैसे लिखेंगे b is a set of all y such that y is equal to क्या लिखेंगे 7 कॉमन है ना कॉमन को लिखना यहाँ पे और ये चेंज हो रहा है उसको n लिखने का जो चेंज होता है ना उसको n लिखने का कभी ध्यान रखने का उसका कंडीशन डालते हैं ये n क्या है नेचुरल नंबर है ओके तो n का वैल्यू क्या है 5 से कम है तो क्या लिखेंगे हम लोग n is less than 5 that's it clear हो गया okay